तो बंदा कहे ना कि ये तो है, ये तो हमारे मुल्क का एक सितारा है। वो कहते हैं ना, वो जो चांद बना हुआ ना हमारे झंडे के अंदर, ये इनका ही बस ना चले, ये तो वो भी चोरी कर ले। कौन सी पहली बार हुई है लोगों के घरों से आटा चोरी होता है? वो बता देंगे भाई ये स्टोरियां फेक है, अगर पाकिस्तान में रहना है तो आओ आपको दिखाते हैं कि चोरियां कहते हैं किसको है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चोर मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इतनी क्रिएटिव चोरियां तो पहले कभी सुनी नहीं थी, क्यों इतनी क्रिएटिविटी आ रही है? वो भी चोरों के अंदर, क्या कहते हो, 300 मिलियन रुपए की मालियत रखने वाली मच्छरदानियों को चुरा लिया जो बलोचिस्तान के अंदर जानी थी। आपको पता है बलोचिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू जैसी वबा बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उनके लिए इस वक्त मच्छरदानियाँ काफ़ी ज़्यादा कारामद होनी थी, उसको चुरा लिया भाई। वो ये बात है ना, पता क्या है, ये तो आपको बताया गया ना मच्छरदानी चुराइयाँ गई हैं, बेसिक मच्छरदानी चुराई नहीं गई, मच्छरदानियाँ ली ही नहीं गई थी, ये तो बताया गया है। इंटरनेशनल डोनेशन हुई थी वो हमने कौन से खुद खरीदी थी? जो मच्छरदानी है ना वो चोर को हिजरा बना देती है। चोर जितने भी मच्छरदानी ले गए हैं, मुर्दे तो चोरी हो रहे थे, हमने देखा कि मुर्दों के साथ अब देखते हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसे वैश्य दरिंदे हैं, देख रहे होते हैं कि लेडीज़ का कब जनाजा होगा। तौबा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और लेडीज़ को जो है ना कपड़ों से उठा के रेप भी किए जा रहे हैं, उनके साथ जना भी किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई कसर नहीं रहेगी पाकिस्तान में डी वैल्यू करने के लिए। पाकिस्तान ने जो है ना अपनी रिस्पेक्ट खो, पाकिस्तान है इधर कुछ भी उस चोरी हो सकता है, तो जो मर्जी तक कोई नकली नोट भी गिरा वो भी चोरी हो जाएगा, आप हो जाएगा। जहाँ हर चीज़ चोरी, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे ही हालात हैं। क्या वजह है? वजह यही कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, वो जिन्होंने चोरियाँ करनी है। और अभी 100 मच्छर, कितनी मच्छर जानी होती है? 300 मिलियन रुपए की मालियत रखने वाली लगभग 4,50,000 मच्छरदानियाँ चूम अंतर। तो कोई भी बताओ कर लेता, ठीक है। उसने डोनेट की हुई मच्छरदानियाँ थी, बाहर की कंट्री से आई थी, नहीं फिर जाती है बलोचिस्तान में जानी थी, वो डोनेट जाती है फिर तो। पाकिस्तान न्यूज़ में तो मेरी आर रोड पे शो है, मुझे 9 साल हो गए मार्केट में आते हुए। जिस जगह पे आप इंटरव्यू कर रही है ना, यहाँ पे 100% चोरी होती है, और डेली होती है, मुझे कंफर्म है, मैं खुद बता रहा हूँ। और मैं एक बार जा रहा था, तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है, कि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, मेरे ना वो बाइक पे आए, उन्होंने हाथ मारा, और मेरे ना कुदरती एक माइंड था कि मेरी मोबाइलों की शॉप है ना, तो मैं वो ज़रा होशियार त्यार चलाक था, तो इस वजह से ना मैंने अभी मोबाइल इधर किया और मेरे पेड़ में बड़ी ज़ोर से लगी और वो निकल गए। तो समझिए कि ये रोज़ की रूटीन होगी, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे डाला लगाया। मेरे पास वीडियो बकायदा कि एक इलाके में पूरे का पूरा टावर ही उन्होंने कबाड़ियों को भेज दिया निकाल के, और ये अभी उन्होंने तामीर की है। आप बेशक जाके 3-4 हफ्ते पहले की वीडियो देख लेंगे, सारा इन्होंने फुटपाथ तोड़ के ना इन्होंने नया लगाया सारा, ठीक है। अब अभी जाके देख लें, किसी कोई गटर का ढक्कन नहीं है, वो जो गमले लगाए थे वो तो निकल गए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बलोचिस्तान में जैसा कि आप जानती हैं, वहाँ पर तो मच्छर बेशुमार होते हैं और टिड्डियाँ बेशुमार होती हैं, वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ पे तो ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पे जाके बच्चों का इलाज हो। बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए ना, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। तो फिर हम जो कहने वाले हैं उन्हें क्या ही हम कहें कि जो हमें कहते हैं कि ये बैगर्स हैं, ये चोर हैं, ये दहशतगर्द हैं। तो भाई हमने अपना इमेज खुद ही ख़राब किया ना, जब हम एक जो है सही काम ही ना करेंगे, जब चोरियां करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो मुल्क का नाम तो ऑब्वियसली बदनाम होएगा ही। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएँ, रेप तो आम है। अगर पाकिस्तान में 30% रेप होता है, तो बाहर यूरोप में आप किसी भी जगह चले जाएं या किसी एशिया का नाम ले लें तो 90% रेप ही हो रहा है। वो अलग बात है कि हमारे जो है रेप को उछाल दिया जाता है। आपने बात की गटरों के ढक्कन बेच देते हैं और मुर्दों को निकाल लेते हैं, उनकी हड्डियां बेच देते हैं। देखें बात ये क्राइम हमने बाहर नहीं देखे, ये क्राइम बाहर इसलिए देखे, बेरोजगारी। मैं देख रहा था एक जर्नलिस्ट से टूरिस्ट आया था साइकिल पे, उसको किसी ने लाहौर में लूटा है, यहाँ एयरपोर्ट के एयरपोर्ट में लूटा है। वहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही ना ही आए टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट यहाँ पे ना आए कहीं और चले जाएँ, यहाँ पे ना आए, यहाँ पे आने का फायदा नहीं है। तो यहाँ रह रहे हो? हम बस बचा के रह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म में रह रहे हैं। अच्छा, वीजा मिलेगा, निकल जाओगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह भाई, इसी चीज़ में जज्बा है, इसी चीज़ में जज्बा सबसे ज्यादा हमारे में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जज्बा इस चीज़ में हमारे में, कि हम चोरी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, ये जज्बा है, चीटिंग डोरा पीटा है हमने, क्या चीटिंग में हम कमाल है। जहाँ पे दावा लगता है वहाँ लगाओ, चाहे जिस मर्जी जहाँ मर्जी चीज़ है, चाहे काड़ो बड़ा चोरी दाल लगाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, एक बहुत बड़ी डकैती हुई है गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर से।
300 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की मालियत रखने वाली मच्छरदानियां मॉस्किटो नेट्स चुरा ली गई हैं। लगभग 4.25 लाख मच्छरदानियां चुरा ली गई हैं। वही मच्छरदानियां इंटरनेशनल डोनेटर्स की तरफ से पाकिस्तान को डोनेट की गई थी ताकि बलूचिस्तान के अंदर प्रोवाइड की जाएं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। सेहत का निज़ाम वहाँ का ठीक नहीं है। उनको मच्छरदानियों की, मॉस्किटो नेट्स की, लोशन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी में 300 मिलियन रुपये की जो चोरी हुई है, अब बलूचिस्तान ये सारी मॉस्किटो नेट्स नहीं पहुंच पाएंगी। इससे पहले हमने सुना कि डस्टबिन्स चोरी हुई हैं। इससे पहले हमने सुना जापान का गिफ्ट किया हुआ फ्लड अलर्ट सिस्टम चुरा लिया गया है। तो और क्या देखना बाकी रह गया है? बढ़ते दिनों के साथ पाकिस्तानी चोरों में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आती जा रही है, ज़्यादा क्रिएटिविटी आती जा रही है। तो आने वाले अरसे में हम क्या देखेंगे पाकिस्तान के अंदर से, और क्या क्या चोरी हो सकता है? अभी रिसेंटली ये भी खबर आई कि वीट भी चोरी कर लिया गया, गंदम भी चोरी कर ली गई। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, वो इस बारे में क्या राय रखती है कि पाकिस्तान के अंदर चोरों की ही तादाद क्यों बढ़ रही है? हर दूसरा बंदा यहाँ पर चोर है। आवाम क्या राय रखती है, जानते हैं आवाम की राय, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये तो बहुत छोटी चोरी होगी। 300 मिलियन रुपए की भी अभी छोटी चोरी है। ये तो पकड़ी गई ना, तो छोटी है। अगर पकड़ी ना जाती तो ये बहुत ही छोटी गिनी जानी थी, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं। अभी तो नजर एक आई है इनको। अच्छा। लोगों को नजर अब एक आया और अभी पकड़े नहीं गए, और वो भी गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर से चोरी हुई है। तो ये कौन सी पहली बार हुई है? लोगों के घरों से आटा चोरी होता है, गुनकारी है। मेरे खुद घर में 2 लाख रुपए बिल आया, मानेंगे नहीं। मान लेती हूँ, क्योंकि हमें भी इतना ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि पता क्या है, वो कहते हैं ना, बचपन में जो चोरियाँ हमने की हैं, मुझे लगता है वो हमसे ले रहे हैं, पूरी वापस कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या चोरी की है बचपन? कोई नहीं ना की, इन्होंने तो वो डालनी है ना, इन्होंने तो कहा है ना, कोई खाते बना के डाल देंगे कि बचपन में आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने हॉस्पिटल में ये दिया, ये दिया, वो दिया, वो सारा कुछ हमारे से निकाल लेना इन्होंने। ये बताइएगा, अगर हम बढ़ते दिनों की बात करें, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे चोर मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इतनी क्रिएटिव चोरियां तो पहले कभी सुनी नहीं थी, क्यों इतनी क्रिएटिविटी आ रही है, वो भी चोरों के अंदर? क्या कहते हो, 300 मिलियन रुपए की मालियत रखने वाली मच्छरदानियों को चुरा लिया जो बलूचिस्तान के अंदर जानी थी। आपको पता है बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू जैसी वबा बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो उनके लिए इस वक्त मच्छरदानियाँ काफ़ी ज़्यादा कारामद होनी थी, उसको चुरा लिया भाई। वो ये बात है ना, पता क्या है, ये तो आपको बताया गया ना, मच्छरदानी चुराइयाँ गई हैं, बेसिक मच्छरदानी चुराई नहीं गई, मच्छरदानियाँ ली ही नहीं गई थी, ये तो बताया गया है। इंटरनेशनल डोनेशन हुई थी, डोनेशन हुई थी, वो हमने कौन से खुद खरीदी थी? बेच दी होंगी ना, बारो बार ही बेच दी होंगी, आई नहीं होंगी यहाँ पे, ऐसे ही है। शुरू से मास्क आते रहे आपके मुल्क में, वही मास्क यहीं पर बिकते रहे हैं सारी ज़िंदगी कोरोना में, किसी लोगों को मालूम ही नहीं है। मास्क का डिब्बा 100 रुपये का, ये 150 रुपये का इन्होंने बेचा है, खुद हुकूमत ने इन्होंने स्मगल करके बेचा है। ऐसे ही है, जो वही चाइना से फ्री आए थे, पूरे के पूरे लाइंस आई थी, इन्होंने आज पहली बार चोरी की हो तो बंदा कहे ना कि ये तो है, ये तो हमारे मुल्क का एक सितारा है, वो कहते हैं ना, वो जो चांद बना हुआ ना हमारे झंडे के अंदर, ये इनके बात से ना चले, ये तो वो भी चोरी कर लें, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी है। अच्छा। हाँ, तो सितारा फिर अकेला रह जाएगा, उसको भी चुरा लेंगे वो? तो ऐसे ही है, ये तो बस नहीं इनका, तो हवा लड़के गिरे उठा लें, इनको तो बस नहीं चल रहा। हम लोग बचपन से एक चीज सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी कौम एक बहुत बहादुर कौम है, कुर्बानी का जज्बा रखने वाली कौम है, जज्बा जिंदाबाद है। तो ये कौन सा जज्बा है बताएं? बेसिक पता क्या है, अगर एक घर में जो जिम का मालिक होता है ना, वो बेशक बादशाह होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरे आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन वो फिर भी ना सबको सिखाता है, बढ़ाता है, ये वो सिस्टम है। आपको हर चीज़ वो दे रहे हैं, लेकिन आपकी बहादुरी में मार रहे हैं, वो मार ऐसे कह रहे हैं, आपकी सेहतें बेड़ा गर कर दी उन्होंने, हर चीज़ का कारोबार का ख़त्म कर दिया है, इंसान ज़हनी मरीज हो गया है। तो ये सारी परेशानियाँ जाती उसी तरफ ही हैं जहाँ वो लेके जाना चाहते हैं। अब ये मैकेनिज्म इतना देख लें कि बाहर के मुल्कों में वो हाईफाई, मेरा खुद ई कॉमर्स का काम है, हमारे स्टोरों का बेड़ा गर कर दिया है, इंटरनेट 2 दिन बंद होने की वजह से लोगों की लाखों रुपये की सेलों का नुकसान हुआ। हुकूमत का क्या, बेसिक पता क्या है, इंसान को पता तब लगता है जब बंदा गरीब हो, और जब बचपन से चोर, जो चोर होता है ना, वो मैंने तो सुना था कि चोर जो होता है ना उसके घर का दीवा बंद नहीं होता, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे चोर देखे हैं, उन्होंने दीवे गया, उन्होंने तो पूरे पूरे टब्बर पाल लिए हैं वो चोरी किए हुए पैसों पर। तो हम तो जो स्टोरियाँ सुनते थे, हम तो उन लोगों को बता देंगे भाई ये स्टोरियाँ फेक है, अगर पाकिस्तान में रहना है तो आओ आपको दिखाते हैं कि चोरियाँ कहते हैं किसको हैं।
देखिए ना, अब हम खुद मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हालात हुए हुए हैं, इसी में हमने 126 मुल्कों के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया कि आओ भाई पाकिस्तान में आकर घूमो और यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करो। उसी में इसी पाकिस्तान में रहते हुए हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ जितने बुरे हालात हैं हमें ये बातें करना जेब देती हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बेसिक वो बात है ना। मैं अभी कुछ दिन पता कल को खिलाड़ी हैं उनके अंडरवेयर चोरी हो जाए। हाँ ये इस तरह ही होगा, पता क्या मैं बताता हूँ, आप बेशक शायद गए हो शालामार, आपकी एंट्री है लोकल जो इधर की है ना उनकी एंट्री है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़। अगर वो अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आता है ना उसकी एंट्री है 600 रुपीज़। बेशक आप जाके विजिट करें चेक करें और बेसिक पता। हाँ बिल्कुल, मुगलों का है। हाँ मुगलों का है, लेकिन अब वो हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए वो बहुत अच्छी कारामद चीज़ है कि वो देखते हैं अंग्रेज आते हैं, बड़े लोग आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से, तो 600 रुपीज़ उसकी टिकट। आप इसे लगा लें कि इन्होंने छोटा सा इवेंट किया है थोड़ी देर पहले, उसका मैंगो इवेंट, और आपको पता है कि कितने मिलियन इन्होंने उसमें से इकट्ठे किए होंगे, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। बेसिक पता क्या है, आप लोगों को जहनी मरीज इस तरह बना दिया गया है, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, आप लोगों ने कहा जी ये जी पैकेज मिल गया जी, वो 10 रुपये सस्ता करने से क्या हुआ, वो 60 रुपये घंटा आपके घर से निकाल रहे हैं, वो पेट्रोल ही नहीं गया आपका, वो पेट्रोल गया, वो जो आपने पैसे दे के डलवाया ना वो तो फ्री खाते ही गया ना, समझ लें। अंडे की प्राइस क्या है? मैं अंडे की प्राइस मैं आपको बताऊँ तो खाने छोड़ दिए है, महंगे हो गए। हाँ इस वजह से जो चीज़ महंगी होगी ये भी चोरी हो जाएगी, देख लेना। हाँ तो यही है, ये तो वो देखे ना, वो कहते हैं ना मुर्गी का बास, मैं कहता हूँ मुर्गी का बास नहीं हुकूमत का बास नहीं है, तो मुर्गी से निकाल लेना देंगे भाई, ब्लैक में बेचेंगे कल को, अभी निकल लेना दो। अच्छा। इन्होंने खरीद के रख ली है समझ लें। अच्छा, मुर्गियाँ भी खरीद के रखेंगे? हाँ वो मच्छरदानियाँ इन्हों के लिए तो ली है, कुछ छुपा के उनके अंदर मुर्गियाँ छोड़ेंगे। वैसे ये भी एक क्रिएटिव आंसर था। अच्छा आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि सीसीटीवी कैमरे की आंखों के नीचे दिन दहाड़े भी चोरियाँ हो रही हैं, आधी रात को भी चोरियाँ हो रही है, वक्त कोई भी मुकर्रर नहीं है, कभी भी आपके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्या बोलते हो आप पाकिस्तानी चोरों के बारे में? मैं आपको बड़ी मजेदार न्यूज है, तो मेरी हर रोड पे शो है, मुझे 9 साल हो गए मार्केट में आते हुए, जिस जगह पे आप इंटरव्यू कर रही है ना यहाँ पे 100% चोरी होती है, और डेली डेली होती, मुझे कंफर्म है, मैं खुद बता रहा हूँ। और मैं एक बार जा रहा था, तकरीबन 2-3 माह पहले की बात है कि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, मेरे ना वो बाइक पे आए, उन्होंने हाथ मारा, और मेरे ना कुदरती एक माइंड था कि मेरी मोबाइलों की शॉप है ना, तो मैं वो ज़रा होशियार त्यार चलाक था, तो इस वजह से ना मैंने अभी मोबाइल इधर किया और मेरे पेड़ में बड़ी ज़ोर से लगी और वो निकल गए। तो समझिए कि ये रोज़ की रूटीन होगी, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे डाला लगाया, वो पीछे बैठे हुए हैं पुलिस वाले, दफा करें उनको, वो काम करने थोड़ी आए हैं, बेसिक पता क्या है, क्या करने है? वो इन्जॉयमेंट, काम तो उसे कहते हैं ना, आप काम कर रहे हैं ना नज़र आएगा, लोगों को पता लगेगा ये काम कर रहे हैं, बेसिक वहाँ पे बैठ के काम तो नहीं ना होता, वो यहाँ से निकल जाते हैं, ये कहते हैं जी हम लोग जी रन पे निकले हुए हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग करते हैं, 100 में से 70% मैं मान लें तो वर्क करते हैं, लेकिन जो 30% नहीं करते ना उनकी वजह से वो 70% की वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि एक दरिया में अगर गंदी मछली रह जाए ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी उस तरह हो जाती हैं, तो ये नहीं कहूँगा वो उस तरह की होगी, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि उनको मजबूरन होना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आप चोरी की इंतहा देखें, इस्लामाबाद के अंदर से जापान का गिफ्ट किया हुआ फ्लड अलर्ट सिस्टम चोरी कर लिया गया, गटरों के ढक्कन उठा लेते हैं उसको बेचते हैं, कब्रों के अंदर से मुर्दे निकाल के उनको बेचते हैं, आप क्या कहते हैं कल को ऐसे ही अगर ये लोग चोरी कर कर के प्रॉपर्टीज को बेचने लग गए पाकिस्तान के अंदर, तो हमें फिर ये कंगाल पाकिस्तान नजर आएगा, ये जो खंबे लगे हुए हैं पीछे आपके पीछे ये भी उखड़ जाएंगे, ये जो यहाँ गमले पड़े हुए हैं ये भी चोरी हो जाएंगे, क्या कहते हैं आप? मैं आपको बताऊँ कि जो जो चीज़ें आपने गिनवाई है ना आप सोच रहे हैं कि ये हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ ये हो चुके हैं। मैं आपको टावर के बारे में न्यूज़ देता हूँ, मेरे पास वीडियो बकायदा कि एक इलाके में पूरे का पूरा टावर ही उन्होंने कबाड़ियों को भेज दिया निकाल के, और ये अभी उन्होंने तामीर की है, आप बेशक जाके 3 से 4 हफ्ते पहले की वीडियो देख लेंगे, सारा इन्होंने फुटपाथ तोड़ के ना इन्होंने नया लगाया सारा, ठीक है, अब अभी जाके देख लें किसी कोई गटर का ढक्कन नहीं है, वो जो गमले लगाए थे वो तो निकल गए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस में गए हैं वो, और ये सिर्फ दिखाए गए हैं कि यहाँ से उन्होंने टीम वर्क जो टीम थी मैच था थोड़ी देर पहले उनको दिखाने के लिए लगाए थे, उसके बाद उन्होंने खेड़ दिए हैं क्योंकि उसके बाद किसी ने देखना ही नहीं था। तो भाई जो यहाँ पर सड़कों के ऊपर जो वाटर कूलर्स पड़े होते हैं उसके साथ हम ग्लास को भी जंजीर और लॉक लगा कर रखते हैं ताकि वो भी कोई चुरा ना ले। तो इसीलिए लगा के रखते हैं ना, बेसिक पता क्या है, जब एक बड़ा चोर होता है ना उसके पास 150 बंदा काम करता है,
तो वो जारी बात है वो बड़े बंदे को देख के सोचता है यार मैं भी तरक्की करूँ मैं भी तरक्की करूँ, तो वो ऐसा ऐसे तरक्की ऐसी होती है कि वो जो छोटा चोर होता है ना वो बड़ी चोरी नहीं कर सकता, वो छोटी छोटी चोरी करता है ताकि वो तरक्की करने के लिए सोचे कि मैं तरक्की करूँ कैसे। तो ये जो बड़े चोर होते हैं वो कूलर की तरफ ध्यान नहीं देते, वो बड़ी बड़ी ड्रमियाँ उठाते हैं, तो जो छोटे उनके वर्कर होते हैं ना वो ये कूलर ग्लास बेच बेच के गुजारा करते हैं कि उनको पता कि बड़ा पकड़े गए मार पड़ेगी, तो बड़े जो लोग हैं उनकी सपोर्ट बहुत है उनको पकड़ना किसी ने नहीं है, तो डरते मारे ना वो छोटी छोटी चीज़ें मस्जिदों में से टूटियाँ उतार लेनी, उधर से कुछ ना कुछ जूतियाँ उठा लेनी, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये आज का है ही नहीं। आप यहाँ पे प्लास्टिक का ग्लास रख के जाएँ, मैं कहता हूँ किसी फ़कीर को आप टूटा हुआ ग्लास उधर रख जाएँ, फ़कीर नहीं उठा के लेके जाएगा, वो वेल ड्रेस बंदा होगा आपको यकीन नहीं होगा वो उठा के ले जाएगा, वो कहेगा चलें गाड़ी में रखेंगे काम आएगा बाद में। आजकल हालात कर दिए इस तरह के हुकूमत, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी अच्छी हुकूमत देखी है, लेकिन मेरे हर साल मैं जश्न आज़ादी मनाता रहा हूँ लेकिन मैंने इस साल नहीं मनाई, वो वजूहत क्या है कि जो मुल्क से जो कर्जई होते हैं ना वो आज़ादी नहीं मनाया करते, ये सारा आप पे कर्ज है, तो आपके आने वाली नस्लें हैं वो भी कर्ज़ों में हैं, आप आज़ादी मना के अपने आप को सर्टिफाई भी करना बेवकूफ़ी है, यहाँ दो हल हैं, या आप खुद इकट्ठे होके यहाँ मुल्क को सुधारें या भाग दें, भाई दो ही हल हैं, क्योंकि मैंने तो बड़ी कोशिश की है, हमारा तो किसी ने नहीं साथ देना, हमें पता है तो हमने ये सोचा कि हम भागेंगे क्योंकि ये हल है शॉर्ट हल है ये। लेकिन थैंक यू सो मच। मच्छरदानियाँ चोरी हो गई हैं जी, हमें तो जो है ना वो शेर याद आ गया, भारत का फिल्म थी आई थिंक सो, एक मच्छर जो है ना वो पाकिस्तानियों को हिजड़ा बना देता है, खासकर एक जो मच्छर है ना मच्छरदानी, पाकिस्तानी तो मेंशन नहीं किया था, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, एक जो मच्छरदानी है ना वो चोर को हिजड़ा बना देती है, चोर जितने भी मच्छरदानी लेंगे हैं वो भारत जाए उनका जो है ना वायरल हो जाएंगे वो सारे, यार कम से कम शर्म आनी चाहिए, मच्छरदानियों को तो छोड़ दें, वो पता है किसने इस्तेमाल करनी थी, छोटे छोटे बच्चों ने इस्तेमाल करनी थी, और वही बात आ गई है कि पाकिस्तान में कभी मच्छरदानियाँ चोरी हो रही हैं, अब ये जो मक्खियों को कैद करने वाली होती ना मक्खीदानी, अब मक्खीदानियाँ भी जो है ना गायब होना शुरू हो जाएंगी, कभी टैक्स लग रहे हैं पेंसिलों पे, कभी शॉर्पनर पे लग रहे हैं, कभी डिक्शनरी पे लग रहे हैं, तो कहने का मकसद है ये जो मच्छरदानी चोरी हो गई है बड़े इंतहाई दुख की बात है कि एक सरकारी अदारा था जहाँ से मच्छरदानियाँ चोरी हुई हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ही ना, मुझे तो डर लग रहा है कि मुसलमानों के कफन भी चोरी होना ना शुरू हो जाए, ठीक है अभी तो चोरी होते तो थे, बल्कि हो रहे हैं, मुर्दे तो चोरी हो रहे थे, हमने देखा कि मुर्दों के साथ अब देखते हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसे वैश्य दरिंदे हैं देख रहे होते हैं कि लेडीज़ का कब जनाजा होगा, तौबा नऊज़ बिल्ला, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और लेडीज़ को जो है ना कपड़ों से उठा के रेप भी किए जा रहे हैं, उनके साथ जना भी किया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि कोई कसर नहीं रहेगी पाकिस्तान में डी वैल्यू करने के लिए, पाकिस्तान जो है ना अपनी रिस्पेक्ट खोता जा रहा है, जाहिर सी बात है ये खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी चली है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चली है, आप भी इंटरव्यू कर रही हैं, तो बात है कि खबर छुपी नहीं रहती है, जब यही जो है वीडियोस और ऐसे सेकेंडल जो है जब वायरल होते हैं दुनिया देखती है तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। सल्यूट चोरों को भाई कि इतने प्रोफेशनल है, इतनी प्रोफेशनलिज्म है उनमें कि भाई गवर्नमेंट के इदारों से चोरियां करते फिर रहे हैं, मिलियंस रुपए की चोरियां कर रहे हैं, 300 मिलियन रुपए एक वर्थ रखते हैं, और ये डोनेट की हुई मच्छरदानियां थी जिनकी कीमत 300 मिलियन तक थी जिसको चुरा लिया गया है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर डेंगू की वबा भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, मलेरिया भी बहुत से लोगों को हो रहा है, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर जितने हालात ख़राब है वहाँ पर मच्छरदानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या कहते हैं हमारी कौम कैसी है भाई, क्या मतलब हम प्रोफेशनल चोर है, क्या टाइटल देंगे आप हमें? देखिए जी टाइटल क्या देना, ये तो कोई लुकी छुपी बात नहीं है, सबके सामने ही है। अब देखिए ना जैसा कि आप इतने मिलियन की अपना वो बता रही हैं कि इतने मिलियन की जो है वो चोरी हो गई है, कम से कम देखना चाहिए, कैमरे भी लगे होने चाहिए कि वो चोरों को पकड़े कौन है, चोर कोई नहीं निकलेगा, ठीक हो गया। और आपने बात की कि उधर बलूचिस्तान में जाने थे, तो बलूचिस्तान में जैसा कि आप जानती हैं वहाँ पर तो मच्छर बेशुमार होते हैं और टिड्डियाँ बेशुमार होती हैं, वहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ पे तो ऐसा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पे जाके बच्चों का इलाज हो। बहरहाल एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए ना, बड़ा लम्हा फिक्रिया है, तो फिर हम जो कहने वाले हैं उन्हें क्या ही हम कहें कि जो हमें कहते हैं कि ये बैगर्स हैं,
ये चोर है, ये दहशतगर्द है, तो भाई हमने अपना इमेज खुद ही ख़राब किया ना। जब हम एक जो है सही काम ही ना करेंगे, जब चोरियां करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो मुल्क का नाम तो ऑब्वियसली बदनाम होगा ही। पहले इस्लामाबाद के अंदर से फ्लड अलर्ट सिस्टम जो कि जापान ने गिफ्ट किया था उसको चुरा लिया गया, इस्लामाबाद के अंदर से डस्टबिन चुरा ली गई, फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस सामने आए, गटरों के ढक्कन चुरा लिए जाते हैं, कब्रों के अंदर से मुर्दे निकाल लिए जाते हैं, उनकी हड्डियां तक बेच दी जाती हैं, जिनकी हड्डियाँ नहीं होती उनके साथ रेप कर दिया जाता है। क्या कहते हो आप, क्या आलम आ गया है पाकिस्तान के अंदर? इतने क्राइम्स के जितने गिनो उतने ही कम है। अलग वतन हासिल किया था, कहा था इस्लाम नाफिज करेंगे, साथ ही साथ तरक्की करेंगे, भाई कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, जहाँ तक तो बात इस्लाम की है, काफ़ी हमारे ऐसे दारे हैं, ऐसे उलमा कराम हैं, माशाल्लाह उनका एक नाम है, अच्छा दरस देते हैं वो, कभी भी जो है ना वो ये सबक नहीं देती मदरसों में ये सबक नहीं दिया जाता कि आप जाके रेप करो, चोरियाँ करें, डकैतियाँ करें। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे मौलवी जो हैं उलमा कराम अच्छे भी हैं, भी इनमें जेगा हमारे सामने ये भी केसेस आए कि मदरसे के अंदर लड़कों का भी रेप हो रहा है। यार देखिए, बात यह है कि पांचों उंगलें एक जैसी नहीं होती हैं, सभी कंट्री में इस तरह होता है। भारत की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे भी रेप होते हैं। मैं भारत के साथ कंपैरिजन नहीं यहाँ कर रही, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप किसी भी कंट्रीज में चले जाएं, रेप तो आम है। अगर पाकिस्तान में 30% रेप होता है, तो बाहर यूरोप में आप किसी भी जगह चले जाएं या किसी एशिया का नाम ले लें तो 90% रेप ही हो रहा है। वो अलग बात है कि हमारे जो है रेप को उछाल दिया जाता है। आपने बात की, गटरों के ढक्कन बेच देते हैं और मुर्दों को निकाल लेते हैं, उनकी हड्डियां बेच देते हैं। देखें बात ये क्राइम्स हमने बाहर नहीं देखे, ये क्राइम बाहर इसलिए देखे, बेरोज़गारी और हुकूमत का ठीक ना होना, हुकूमत जो है वो अपनी आवाम को रिलीफ नहीं देगी जब, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चोरियाँ भी होंगी, डकैतियाँ भी होंगी, मुर्दों के साथ रेप भी होगा, उनकी हड्डियाँ भी बेची जाएंगी। कम से कम आप इस मुल्क में जो है ना लॉयल हो जाएं, हमारे जब हुक्मरान लॉयल होंगे फिर ये हमारी आवाम जो है खुशहाल होगी। जाहिर सी बात है, घर में आप अगर अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, बेटे को खर्चा ना देंगे, वो कोई ना कोई घर की चीज़ें चुराएगा, आपके पॉकेट में से पैसे चुराएगा, वो घर से चोरियाँ करना शुरू हो जाएगा। यही अलमिया जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में जब गुर्बत जो है वो डे बडे बढ़ती जाएगी, तो जाहिर सी बात है भाई हड्डियाँ भी बिकेंगी, मुर्दों के साथ रेप भी होगा, गटरों के ढक्कन भी बिकेंगे और ऐसे काम होंगे, रुकना नहीं है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप दुबई की बात कर लें, आप सऊदीया की बात कर लें, सऊदीया में मुस्लिम कंट्री नो एंट्री, दुबई में अपना पाकिस्तानी नो एंट्री, ठीक है। अगर तलाशी भी लेनी है, बिल्कुल उन्हें बुरहना करके, नंगा करके तलाशी ली जाती है। और भाई जाहिर सी बात है, अगर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, बुरे हैं तो अच्छे भी हैं। अगर 100 में से 30% या 40% लोग बुरे होंगे तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बदनाम होगा ना। तो मेरे ख्याल में ये जिसने भी ये हरकत की है, बहुत ज़्यादा घटिया हरकत है, ऐसा नहीं भी करना चाहिए। जी आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, दिन ब दिन बढ़ते दिनों के साथ हमें चोरों के अंदर और प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल रही है और क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। देखें ना, आप मच्छरदानियाँ चुरा ली हैं, आने वाले अरसे में और क्या क्या हम सुनेंगे कि क्या क्या चोरी हो सकता है यहाँ पर, कोई आइडिया है आपको? यहाँ पे तो आप जो है ना, मैं आपको क्या ही कहूँ, बात बड़ी लंबी तक चले जाती है कि यहाँ पर अगर आप खड़े हैं ना तो आप अभी सेफ्ड नहीं है। कोई भी आएगा मोबाइल स्नैच करेगा। पिछले दिनों में हमने देखा हमारी एक एंकर है, उनका मोबाइल चोरी कर लिया, इसी तरह वो अपना व्लॉग बना रही थी, वीडियोस बना रही थी, ऐसे स्नैच किया और जो है वो लेके भाग गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे जो है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इंडियन टीम आए, श्रीलंका टीम आए, बांग्लादेश की टीम आए, ठीक है। जब आपके इस तरह के हालात हमारे देखते हैं ना, नेबरिंग कंट्रियाँ देखती हैं और दूसरी कंट्रियाँ देखती हैं, तो भाई वो इसलिए ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। हमें बैगर्स कहा जाता है, हमें जो है टेररिस्ट कहा जाता है, टेररिस्ट कंट्री है ये मार देते हैं बंदों का, यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है भाई, जब पाकिस्तानियों के साथ ऐसे होंगे तो फिर सेफ तो कोई ना होगा। अब बाहर से गोरा आया पाकिस्तान में, वो बेचारा साइकिल पर कहीं जा रहा था, स्टे किया तो उसको लूट लिया गया। अभी एक लड़की आई थी फॉरनर, वो बेचारी इस्लामाबाद का वाकया है ये, उसके साथ रेप किया, इतना 5-6 दफ़ा रेप करने के बाद बेचारी को वहाँ पे फेंक दिया कि आप अपने जो है ना मदद आपके ज़रिए यहाँ पे पड़ी रहें, तो उसकी भी बड़ी एक वीडियो वायरल हुई है। जितने भी स्कैंडल्स हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान से इसीलिए निकलते हैं कि यहाँ पे जो है ना
गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी इकोनमी जो है वो डे बाय डे बैक टू बैक होती जा रही है। जब ऐसे मैं खुद देख रहा, मैं जॉब करूँगा, मेरे पास खाने को पैसे ना होंगे, मुझे सैलरी पैकेज अच्छा ना मिलेगा, जाहिर सी बात है मैं फिर लोगों की जेबों में ध्यान डालूंगा, देखूंगा मैंने किसको किसको लूट रहा है, तो मैं भी चोरी डकैतियाँ करूँगा फिर। चले जी, थैंक यू सो मच। उनके घर में काफ़ी मच्छर होंगे और क्या। देखिए अब हम दिन ब दिन सुनते थे कि डाके डल गए हैं, पैसे चोरी हो गए हैं, डकैती डल गई है, अब हम चोरियों में भी क्रिएटिविटी देख रहे हैं, मच्छरदानी चोरी हो गई है, भाई क्या कहते हैं आप? मैडम पाकिस्तान है, इधर कुछ भी चोरी हो सकता है, तो जो मर्जी तक कोई नकली नोट भी गिरा वो भी चोरी हो जाएगा, आप हो जाएगा जहाँ हर चीज़ चोरी, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे ही हालात हैं। क्या वजह है? वजह यही कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, वो जिन्होंने चोरियाँ ही करनी है। और अभी 100 मच्छर कितनी मच्छर जानी होती है आपने? 300 मिलियन रुपए की मालियत रखने वाली लगभग 4.25 लाख मच्छरदानियां चूम अंतर। तो कोई भी बताओ कर लेता, ठीक है। उसने डोनेट की हुई मच्छरदानियां थी, बाहर की कंट्री से आई थी। नहीं फिर जाती है बलोचिस्तान में जानी थी, वो डोनेट जाती है फिर तो। हाँ। पाकिस्तान में भी तो अगर बलोचिस्तान में ना जानी होती फिर जायज़ था? नहीं फिर भी जायज़ था, लेकिन डोनेशन के लिए जिसका हक था उसको नहीं मिला। बाकी पाकिस्तान में तो 300 मिलियन कौन छोड़ेगा, जब उसको जो चीज़ मिले 300 मिलियन कौन छोड़ेगा, ले लेगा। अच्छा ये बताइएगा चोर इतने क्रिएटिव क्यों होते जा रहे हैं? चोरों को पता पाकिस्तानी सर, पाकिस्तान में जब हर चीज़ हर बंदा चोर होगा, बड़े लोग चोर होंगे, समझ यहाँ बात, बड़े लोग चोर होंगे, छोटे लोग भी चोर होंगे, क्रिएटिविटी ऐसी आती है। क्रिएटिविटी ऐसी आती है, सीखे सिखाए लोग हैं हम, बिल्कुल ऐसी है। 30 साल चोरियाँ हो रही पाकिस्तान में, तब किसी ने पूछा मच्छरदानी में चोरी होगी, वहाँ पूछ रहे सारे। अच्छा आप बढ़ते दिनों के साथ साथ चोरों में प्रोफेशनलिज्म जैसे जैसे आती जा रही है मजीद, तो क्या कहते हैं हम और आगे जाकर क्या सुनने को हमें नया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें चोरी हो सकती हैं यहाँ? हर चीज़ नहीं, चोरी जो भी होगा उन्होंने लेना, जितने जिसकी रकम होगी जिसकी कीमत होगी वो चले जाएगी, चाहे वो मच्छरदानी हो चाहे वो मच्छरी हो, जिसकी जो कीमत है वो निकल गई। तो क्या देखें अभी हमने रिसेंटली 126 कंट्रीज की वीज़ा फ्री किए हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आए, टूरिज्म हो और टूरिज्म से हम रेवेन्यू जनरेट करें। हम कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर हो, हम कहते हैं दुनिया भर के लोग यहाँ पर आए, ऐसे हालातों में क्या हमें जेब देता है लोगों को कहना कि आओ यहाँ पर आकर विजिट करो? ये पिछले दिनों का वाक्य मैं देख रहा था, एक जर्नलिस्ट से टूरिस्ट आया था साइकिल पे, उसको किसी ने लाहौर में लूटा है, यहाँ एयरपोर्ट के एयरपोर्ट में लूटा है, वहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही ना आए टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट यहाँ पे ना आए कहीं और चले जाएँ, यहाँ पे ना है, यहाँ पे आने का फायदा नहीं है। तो यहाँ रह रहे हो? हम बस बचा के रह रहे हैं, अल्लाह के हुक्म में रह रहे हैं। अच्छा वीजा मिलेगा, निकल जाओगे इंशाल्लाह? हाय अल्लाह इंशाल्लाह, भाई वाइड होते हैं, मैंने भी निकलना। अच्छा आपने भी निकल जाना? कारोबार यहाँ पे भी, हाल रोड पे भी कारोबार है, यहाँ पे निकल लूंगा अगर वीजा मिला। बिल्कुल सही, कैसे चोरी चकारियों को कम करो, और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट के इदारे से चोरी हुई है भाई, गवर्नमेंट वेयर हाउस से चोरी हुई है, फिर समझिए आपने किसने चोरी की है। कौन चोरी कर सकता है? प्रूफ नहीं, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट के इदारे से ना फ्लड अलर्ट सिस्टम जो था वो चोरों ने चुराया था, बाहर का इतना अथॉरिटी नहीं थी गवर्नमेंट के लोगों को कि वो गवर्नमेंट चीज चुरा सके। चोर बड़े मॉडर्न है, सीसीटीवी की आंख के नीचे कुल्लम कुल्लर चोरी करते हैं भाई, ऐसे ही है यहाँ पे हर चीज। आपने सुना नहीं है जज्बा बहुत है? इसी चीज में जज्बा है, इसी चीज में जज्बा सबसे ज्यादा हमारे में, पूरे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जज्बा इस चीज में हमारे में कि हम चोरी वो अच्छी करते हैं। अच्छा ये जज्बा है, चीटिंग डोरा पीटा है हमने क्या? चीटिंग में हम कमाल है, जहाँ पे दावा लगता है वहाँ लगाओ, चाहे जिस मर्जी जहाँ मर्जी चीज है, चाहे काड़ो बड़ा चोरी दाल लगाना लगाना है। हम हमेशा सुनते आए हैं पाकिस्तानी कौम एक बड़ी स्पिरिट वाली कौम है, पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा बहुत है, बड़ी कमाल की कौम है और बड़ी बहादुर कौम है, तो ये बहादुरी है चोरियों वाली है या फिर? हर चीज में बहादुरी हमारी टीम है, हर चीज में हम बहादुर है, हर जो गलत काम भी होगा अच्छा काम भी हम आगे सबसे अच्छे काम में भी अच्छे काम में भागे होते हैं। कौन से? ये तो सोचना पड़ गया, देख लो अब इमरान खान के दौर में अच्छे काम थे, अब तो कोई से? मैंने तब भी हमने कर्जे ही लिए थे, कर्जे लिए थे तब भी हम नीचे थे, अभी भी नीचे ही हैं। अच्छे कामों में फॉर एग्जांपल के इंसानियत थोड़ी बहुत है लोगों के अंदर, कितनी को थोड़ी बहुत इतनी सी बहुत है, इतनी हो जाए बड़ी शर्म आ जाए, बस नीचे ही हम लोग सबसे। थैंक यू सो मच।